तो स्टूडेंट आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की नंबर 3 में लेक्चर नंबर 17 के अंदर ले रहे हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स। व्हाट इज द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स? कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आर इज रिफ्लेक्सिव, सो एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। आर इज एंटी सीमेट्रिक, if x are y and y are x then x equals to y. R is transitive, then x are y and y are z then x are z. All are properties for partially ordered set. Then R is called a partially ordered relation and the set S together with the partial order is called partially ordered set or coset and is denoted by S less than equals to, where S is the partially ordered set and less than equals the relation, that is the partially ordered relation. This is the definition of partially ordered set. R should be reflexive, anti-symmetric and transitive. All three relations are satisfied, then set R is called partially ordered set and S is called partially ordered set. R is called partially ordered relation. Example, the set n of natural number from a coset under the relation less than equals to, because firstly x less than equals to x, secondly if x less than equals to y and y less than equals to x, then we have x equals to y, and lastly x less than equals to y and y less than equals to z, it implies x less than equals to z for all x, y, z belongs to n. यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे यदि हम कोसेट लेते हैं, रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू है, तो फर्स्टली तो उसमें एक्स वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू एक्स के होगा, इक्वल होगा एक्स एक्स के, तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकेंडली एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, दोनों ट्रू है, मतलब यदि एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई है तो वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स तभी हो सकता है यदि एक्स इक्वल्स टू वाई हो, अदरवाइज कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता। एंड लास्टली इफ x लेस देन इक्वल्स टू y एंड y लेस देन इक्वल्स टू z, इट इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल्स टू z, इट इज द ट्रांजिट। सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज एंटी सीमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन द रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू इज ए पार्शली ऑर्डर सेट, कोसेट। सेकेंड वन इज the set of natural numbers under divisibility x divide by form a coset, because x less than x for every x belongs to n. Also if x like x divide by and y divide x, we have x equals to y. Again if x divide by y divide z, we have x divide z for every x by z belongs to n. This way set of natural numbers divisibility relation के अंदर यदि देखें तो x divide करता है y को form a coset, एक coset को form करता है, because x self को divide करता है for every x belongs to n, and x y को by x को divide करता है और x by को divide करता है, तो तभी हो सकता है यदि x equals to y, तो anti symmetric हो जाएगा ये। Second is if x divide y divide x, z divide y, we have z divide x. So, what every x by z belongs to n. So, it is transitive. All three conditions are satisfied. Reflexive, then second is anti-symmetric and third is transitive. So, it is a coset. Similarly, third example is consider a set S equals to 1, 2 and power set of S is PS. ऐसे कोई सेट है उसके यदि हम सबसेट बनाए तो उनका जो पावर सेट बनेगा इसे हम पी एस से डिनोट कर रहे हैं। द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इज ए पार्शियली ऑर्डर, उसमें जो सेट इंक्लूजन लेस देन इक्वल्स, सॉरी सेट इंक्लूजन वाला जो होगा रिलेशन वो क्या होगा, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होगा। सिंस फॉर एनी सेट्स ए बी सी इन पी एस, फर्स्टली वी हैव ए सबसेट ऑफ ए, यू नो दैट ए ऑलरेडी सबसेट होता है ए का, सेकेंडली तो ए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का उसी से रिलेशन हो रहा है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव। सेकेंड इज ए सबसेट ऑफ बाय एंड बी सबसेट ऑफ ए, यानी ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन वी हैव ए इक्वल्स टू बी। लास्टली
सो इट इज़ द एंटी सीमेट्रिक बिकॉज यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तभी हो सकती हैं यदि ए की वैल्यू इक्वल ए और बी दोनों सेट इक्वल है. लास्टली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, देन ए सबसेट ऑफ सी, तो ए बी सी का सबसेट होगा, हेंस पी एस इज ए पोर सेट. तो इसमें ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, देन सेकेंड इज एंटी सीमेट्रिक है और थर्ड इज ट्रांजिटिव. सो पी एस लेस देन इक्वल टू इज ए पोर सेट. इस तरह से पोर सेट के हमें तीन एग्जाम्पल बताए. एलिमेंट्स ऑफ ए पोर सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज द मैक्सिमल एलिमेंट. एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट इन सी इन ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू सी. कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए जो ए से बड़ा, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा और सेट. मिनिमल एलिमेंट, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड ए मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज ए नो एलिमेंट इन सी इन ए सच दैट सी लेस देन इक्वल टू बी. तो बी यदि कोई ऐसा एलिमेंट है, मिनिमल एलिमेंट है, यदि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है सी जिससे कि वो सी से भी छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, बी से भी छोटा हो, तो क्या कहलाएगा, मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा बी ए का. इस तरह से मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट दो एलिमेंट होते हैं इसमें, जो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो ए में जो उस एलिमेंट से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, उससे बड़ा हो, सॉरी मैक्सिमम एलिमेंट कहलाएगा. मिनिमल कहलाएगा ऐसा एलिमेंट जो उस एलिमेंट से छोटा ना हो, क्या कहलाएगा, मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा. अब डिटरमाइन ऑल द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट ऑफ द पोर सेट हूज हैश डायग्राम इज शोन इन फिगर. उनका हैश डायग्राम दे रखा है, उसके मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बताने हैं. सबसे पहले मैक्सिमल एलिमेंट इसमें बी है, ये बी एलिमेंट है एंड एफ, और मिनिमल एलिमेंट डी एंड ई है. और मिनिमल एलिमेंट क्या है, डी और ई है. तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरह देखा जाता है. सबसे नीचे एलिमेंट डी और ई आ रहे हैं, ये दोनों मिनिमल एलिमेंट हैं, और बी और बी जो एलिमेंट है और एफ एलिमेंट है सबसे ऊपर आ रहे हैं, दोनों मैक्सिमल एलिमेंट हैं. इनसे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए. तो इस तरह से बी और एफ दोनों क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट, और डी और ई मिनिमल एलिमेंट्स. कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन से, कंसीडर एन ऑर्डर्ड सेट ए, टू एलिमेंट ए एंड बी ऑफ सेट ए आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए. यानी ए लेस देन इक्वल टू बी हो या बी लेस देन इक्वल टू ए, तो उस कंडीशन में वो दोनों क्या कहलाते हैं, ए और बी कंपेरेबल एलिमेंट कहलाते हैं. नॉन कंपेरेबल एलिमेंट, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मीन्स है कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, जो कि लेस देन इक्वल टू का साइन जनरली हम कह लेते हैं पोसेट के लिए यूज करते हैं, पोसेट में जो रिलेशन है उसके लिए. तो ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो किसी भी रिलेशन से, तो क्या कहलाएंगे, आर इस रिलेशन को बताता है, इट मीन्स दोनों कंपेरेबल एलिमेंट होंगे. नॉन कंपेरेबल एलिमेंट, कंसिडर एन ऑर्डर सेट ए, टू एलिमेंट ए एंड बी ऑफ सेट ए आर कॉल्ड नॉन कंपेरेबल इफ नाइदर ए लेस देन इक्वल टू बी नॉट बी लेस देन इक्वल टू बी. ना तो ए बी से रिलेटेड है ना बी ए से रिलेटेड, तो कह सकते हैं दोनों नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स. एग्जाम्पल, कंसिडर ए इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इज ऑर्डर्ड बाई डिविजिबिलिटी. डिटरमाइन ऑल द कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए. सपोज ए में हमने बल से लेके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, तो ये ऑर्डर्ड बाई डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी से बताते हैं रिलेशन क्या है, डिविजिबिलिटी. डिटरमाइन ऑल द कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए. इसके कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट का हमें सेट बनाने हैं अलग अलग. कैसे बनाएंगे, 1, 2 से है, 1, 3 से है, 1, 5 है, डिविजिबिलिटी देखना है. 1 सभी एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, तो 1 का रिलेशन सबसे है, तो 1 का सबके साथ लेना है, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 10, 1, 15, 1, 30. सेकेंडली है 2 किसको डिवाइड करता है, 2, 2 को डिवाइड करेगा, 2, 6 को डिवाइड करेगा और 10 को और 30 को डिवाइड करेगा, 2, 6, 2, 10, 2, 30. इसके अलावा 3, 3, 6 को, 15 को और 30 को डिवाइड करेगा, 3, 6, 3, 15, 3, 30. 5, 10 को डिवाइड करेगा, 15 को डिवाइड करेगा और 30 को डिवाइड करेगा, तो 5, 10, 5, 15 और 5, 30. सिमिलरली 6, 30, 10, 30 और 15, 30, क्योंकि
ये सब के एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स हैं। अब नॉन कंपेरेबल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे? टू थ्री आपस में दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं 2 5 होगा ना 2 15 होगा, 3 5 3 10, 5 6 6 10, 6 15 10 15, ये सभी क्या है? नॉन कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं लीनियरली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। कंसीडर एन ऑर्डर्ड सेट ए, देन सेट इज कॉल्ड लीनियरली ऑर्डर्ड सेट और टोटली ऑर्डर्ड सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन ए इज कंपेरेबल। यदि उसमें सभी पेयर एलिमेंट्स की कंपेरेबल हो तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या टोटल ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस विद द यूजुअल ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू जे लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। तो पॉजिटिव इंटीजर हम यदि लेते हैं सभी में और लेस देन इक्वल्स टू रिलेशन को लेते हैं तो उसमें सभी लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हों, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा। इस तरह से जो भी बनेगा वो सब क्या बनेगा? एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या टोटली ऑर्डर्ड सेट बनेगा। ये हो गया लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। इस तरह से आज हमने स्टडी किया, सबसे पहले पार्शियली ऑर्डर सेट की डेफिनेशन की कि सपोज रिलेशन आर है उन सेट एस पे फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, रिफ्लेक्सिव हो, आर एंटीसीमेट्रिक हो, आर ट्रांजिटिव हो, तो क्या कहलाएगा? पार्शियली ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा आर, और एस क्या कहलाएगा? पार्शियली ऑर्डर सेट कहलाएगा। दो सेट से कहते हैं इसको, एस लेस देन इक्वल टू सिंबल से यूज किया जाता है। तीन हमने एग्जाम्पल बताए थे, पहला था लेस देन इक्वल टू का रिलेशन था, दूसरा एक्स डिवाइड वाई का था, और तीसरा एस इक्वल टू वन टू में सेट इंक्लूजन का। दो नेचुरल नंबर पे थे और तीसरा एस इक्वल टू वन टू सेट पे था, तीनों ही पो सेट। इसके बाद एलिमेंट ऑफ पो सेट, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या है, ये डिस्कस किया हमने। मैक्सिमम एलिमेंट से इसमें इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो तो मैक्सिमल है, छोटा नहीं हो तो मिनिमल है ये। इसके बाद हमने एक डायग्राम भी बताया था, हैश डायग्राम कहते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट बी एफ है और मिनिमल डी ई है। इसका कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स बताए हमने, जिन एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं रिलेशन के द्वारा तो क्या कहलाते हैं? कंपेरेबल, और यदि नहीं ये तो कहेंगे नॉन कंपेरेबल। इसका एग्जांपल भी बताया हमने, इसका लीनियरली ऑर्डर सेट बताया, लीनियरली ऑर्डर सेट टोटली ऑर्डर सेट कहलाता है यदि सभी उसमें जो एलिमेंट्स हैं कंपेरेबल। इस तरह से इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस फॉर द रिलेशन दैट इज क्वेश्चन। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।